मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। सो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होगी, उन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जो काम हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में करके आए थे इक्वेशन सॉल्व करने का, जिसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वही काम हमें एक्सरसाइज 4.3 में करना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2y प्लस 5 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 37 डिवाइडेड 2। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल है y। इस y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कैसे करूँगी, जब ये 5/2 यहाँ पर नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन में 2 नहीं होगा, तो हम खाली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट दे रखें, तो y के साथ है मल्टीप्लीकेशन में 2 और एक 5/2, तो उसको हटाने पड़ेंगे। तो कैसे हटाएंगे, इक्वेशन जो हमारी है 2y प्लस 5/2 डिवाइडेड 2। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी कि दोनों साइड इसी नंबर का अपोजिट साइड ऐड कर दूंगी। जैसे यहाँ पर प्लस 5/2 है, तो माइनस 5 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 37 डिवाइडेड 2 माइनस 5 डिवाइडेड 2। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, दोनों साइड ऐड कर दिया माइनस 5 डिवाइडेड 2। तो यहाँ पर देखें तो प्लस 5 डिवाइडेड 2 और माइनस 5 डिवाइडेड 2 दोनों सेम नंबर है, पर दोनों के साथ अपोजिट साइन है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चा खाली है हमारे पास 2y इक्वल्स टू, यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है 37 डिवाइडेड 2 माइनस 5 डिवाइडेड 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 आ गया डिनोमिनेटर सेम। 37 में से जब आप 5 को माइनस करोगे आपके पास मिलेगा 32। ठीक है, ये और कैंसिल आउट हो सकता है, यस 32 में आप जब 2 का डिवाइड लगाते हो तो कितने टाइम जाता है, वो 16 टाइम जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, 2y इक्वल्स टू 16। ठीक है, हमें तो वेरिएबल y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 2 भी रिमूव करना पड़ेगा। 2 को रिमूव करने के लिए करेंगे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2 का, तो 2y अपॉन 2 इक्वल्स टू 16 को भी हमने डिवाइड करा 2 से। ठीक है, तो 2 1 2 हो गया, 2 से 2 चला गया एक बार, यहाँ पर खाली हमारे पास बचा y। अब 16 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 8। तो y की कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 8। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज 50 प्लस 28 इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल t की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए आपको ये 28 और 5 रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे 28 को रिमूव करते हैं। 28 को रिमूव करने का तरीका है, यहाँ पर प्लस 28 है तो दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, माइनस 28 माइनस 28। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने ऐड करा माइनस 28 और राइट हैंड साइड में भी हमने ऐड करा माइनस 28। ठीक है, सो प्लस 28 माइनस 28 दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों के पास अलग अलग साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा खाली, 50 इक्वल्स टू है ना 10 माइनस 28। ठीक है, तो 28 में से जब आप 10 को माइनस करोगे आपके पास बचेगा 18। ठीक है, पर देखो माइनस में हम क्या देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 28 बड़ा है, और 28 का क्या साइन है, माइनस का है, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, माइनस, तो माइनस 18। ठीक है, सो 50 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू माइनस 18 डिवाइडेड 5। अभी 5 कैसे आया, हमें वेरिएबल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें इस वेरिएबल के पास जो कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में 5, उसको रिमूव करना पड़ेगा। सो रिमूव करने का तरीका क्या है कि जो मल्टीप्लीकेशन में कॉन्स्टेंट है उससे क्या करो, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड कर दो। तो हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे इससे। अब क्या हुआ, 5 से 5 गया 1 टाइम, तो यहाँ पर खाली बचा टी। नाउ माइनस 18 डिवाइडेड 5, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस 18 डिवाइडेड 5। नाउ सी इक्वेशन है हमारी a डिवाइडेड 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो अगेन हमें वेरिएबल क्या दे रखा है, a, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्लस 3 और डिवाइड से 5 हटाना पड़ेगा। सबसे पहले प्लस 3 हटाते हैं, प्लस 3 कैसे हटाएंगे, यहाँ पर प्लस 3 है, इसका अपोजिट साइन मतलब माइनस 3 दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड में भी क्या लिखेंगे, माइनस 3 ऐड करा। ठीक है, सो प्लस 3 और माइनस 3 नंबर सेम है, दोनों के पास अपोजिट साइन है, तो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 3 और माइनस 3 गया, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 8 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू है ना 2 माइनस 3 है, तो 3 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। साइन किसका बड़ा है, 3 का बड़ा है ना, साइन नंबर कौन सा बड़ा है, 2 और 3 में से 3 बड़ा है, 3 का क्या साइन है, माइनस, तो साइन क्या यूज करेंगे हम, माइनस 1। ठीक है, हमें
प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जो नंबर डिवाइड में है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर, ठीक है। सो हमने यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करा 5 से और राइट हैंड साइड पर भी हमने मल्टीप्लिकेशन करा 5 से। तो देखो 5 से 5 गया वन टाइम और माइनस वन का 5 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 5। 5 आंसर 5 और एक साइड माइनस का है तो कितना आ जाएगा माइनस 5। तो एक वैल्यू अभी हमारे पास माइनस 5। नाउ दी इक्वेशन, दी इक्वेशन क्या है? क्यू डिवाइडेड 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो सबसे पहले 7 को रिमूव करेंगे। 7 को रिमूव करने का क्या तरीका है कि दोनों साइड हम इसका अपोजिट साइड मीन्स माइनस 7 और माइनस 7 ऐड करते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर माइनस 7 ऐड कर दिया। नाउ 7 प्लस 7 और माइनस 7 में से दोनों को सब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्यू डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 7 में से जब आप 5 को माइनस करोगे आपके पास मिलेगा 2। पर देखो नंबर कौन बड़ा है? 5 और 7 में से 7 बड़ा है, 7 का साइन माइनस है तो माइनस करने पर क्या आएगा? माइनस 2, ठीक है। अब देखो क्यू के नीचे डिवाइड में 4 चल रहा है तो हमें ये 4 भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो इस 4 को हम हटाएंगे, तो 4 को डिवाइड से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड 4 से। तो क्यू डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू माइनस 2 को भी हमने मल्टीप्लाई करा 4 से। तो 4 से 4 गया, क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ क्यू बचा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू तो हमको चाहिए। तो देखो 2 4 से कितना होता है? 8 होता है और साइन किसका चल रहा है? माइनस का, तो माइनस 8। तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 8। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन ई 5 डिवाइडेड 2 एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है। सो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जो x है वेरिएबल इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 5 डिवाइडेड 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से हटाते हैं 2, तो डिनोमिनेटर से 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड से अगर 2 हटाना है तो मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से दोनों साइड। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से 2 गया वन टाइम, ऊपर क्या बचा? 5x। और यहाँ पर 5 2 से कितना होता है? 10 और साइन माइनस का, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए तो x के पास है 5, तो 5 भी हटाना पड़ेगा। 5 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो मल्टीप्लीकेशन में नंबर है उसका डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो 5 का डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो 5 से 5 गया वन टाइम, 5 अंदर 5 होता है, x पता है यहाँ पर। और 10 कितने टाइम जाता है 5 के टेबल में? 2 टाइम्स। साइन किसका था? माइनस का, तो x की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 2। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन f दैट इज 5 डिवाइडेड 2 x इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड 4, ठीक है। सो हमें यहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है? 5 डिवाइडेड 2। तो सबसे पहले यहाँ से 5 भी हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से 2 हटाते हैं, तो कैसे हटाएंगे? डिनोमिनेटर से अगर कुछ हटाना है तो मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर को दोनों साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 गया वन टाइम, 2 वन से कितना होता है 2, ऊपर हमारे पास बचा 5x इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड 4, तो 5 उसको मल्टीप्लाई करा था हमने 2 से। तो देखो 2 से 4 जा सकता है 2 टाइम्स, कितने? 2 टाइम्स, 2 2 सा 4। सो ऊपर बचा हमारे पास 25 और डिवाइड में आया हमारे पास 2। अब हमारे पास बचा हुआ है 5x इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड 2, तो हमें यहाँ से 5 हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए हमें। तो इस x की वैल्यू के लिए हमें 5 हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5x डिवाइडेड 5 और 25 डिवाइडेड 2 को भी हम डिवाइड करेंगे 5 से, ये पूरा नंबर डिवाइड हुआ 5 से, ठीक है। सो देखो 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? खाली x, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप कुछ कर सकता है कि 5 से 25 जा सकता है, कितने टाइम्स? 5 टाइम। तो 5 से 25 गया 5 टाइम, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 2, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 डिवाइडेड 2। नाउ इक्वेशन g, ये जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से समझेंगे। इसमें हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 7m प्लस 19 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 30, ठीक है। सो सब हमें एम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ से 7 रिमूव करना पड़ेगा, 19/2 रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 19 डिवाइडेड 2 को हटाते हैं, यहाँ पर प्लस 19/2 है, 19 डिवाइडेड 2 है, तो दोनों तरफ हम अपोजिट साइन के इसी नंबर को ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्लस का है, तो दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे? माइनस 19 डिवाइडेड 2 माइनस 19 डिवाइडेड 2। तो 7m प्लस 19 डिवाइडेड 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस 19
डिवाइडेड टू, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया माइनस 19 डिवाइडेड टू। ठीक है, तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 7m, और वहां पर क्या चल रहा है 13 माइनस 19 डिवाइडेड टू। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके नीचे मैं 1 लगा दूं। अब अगर हम 1 और 2 को एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, 1 की जगह 2 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एलसीएम लेना सबको आता है। 2 की जगह 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम, तो 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। नाउ 7m चल रहा है, 13 को 2 से इनटू करा 26, 19 1 सा 19, 26 में से 19 को माइनस करूंगा आपको मिलेगा 7, और 2 हमारा डिनोमिनेटर में चल ही रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7m इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड 2। ठीक है, अब हमें ये जो वेरिएबल है m, इसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 7, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए करेंगे दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7m डिवाइडेड 7 इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड 2 को, इस पूरे नंबर को भी डिवाइड करेंगे हम इससे 7 से। ठीक है, सो देखो 7 से 7 गया कितने टाइम्स, 1 टाइम, तो ये बचा हमारे पास m। ठीक है, और 7 से देखो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो सकता है कि 7 से 7 जा सकता है कितने टाइम्स, 1 टाइम, 7 से 7 होता है, और नीचे हमारा 2 चल ही रहा है, कैंसिल वैल्यू आ गई हमारी 1 डिवाइडेड 2। नाउ h इक्वेशन हमारी है 6z plus 10 equals to minus 2। ठीक है, z वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ 6 और 10 रिमूव करना पड़ेंगे। सबसे पहले 10 को हटाते हैं, 10 को हटाने के लिए क्या है, यहाँ पर प्लस 10 है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर माइनस 10 ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमने ऐड करा माइनस 10, और माइनस 2 में ऐड करा माइनस 10। ठीक है, नाउ प्लस 10 माइनस 10 अपोजिट साइड में सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो गए, अब हमारे पास बचा है सिर्फ 6z इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 10, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 10 में जब आप 2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 12, तो 12 आ गया। दोनों के पास साइन नेगेटिव था तो रिजल्ट भी किसना आएगा, नेगेटिव में। नाउ हमें वेरिएबल z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 6 यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा जो मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका है कि हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर जो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है वेरिएबल के उससे डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास 6 है, तो दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 6 और 6 से। नाउ 6 वन सा 6, ठीक है, यहाँ पर बचा खाली z। नाउ 12 से डिवाइड करना है हमको 6 से, सो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, यहाँ पर साइन किसका है नेगेटिव का, तो क्या आ गया माइनस का, तो z की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस 2। नाउ i इक्वेशन क्या है हमारी, 3 डिवाइडेड 2 i इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड 3। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है i, इस बार हमें वेरिएबल i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का 2 हटाएंगे, तो डिनोमिनेटर से 2 हटाने के लिए अभी हम सीख क्या है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 से 2 चला गया, ऊपर क्या बचा 3i, और उधर देखो 2 2 से कितना होता है 4, और डिवाइड में चल रहा है हमारा 3, तो वहां पर आ गया 4 डिवाइडेड 3। नाउ 3i डिवाइडेड 3, ये कि 3 नीचे कैसा है, i के साथ मल्टीप्लीकेशन में 3, तो i के साथ 3 हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3i डिवाइडेड 3 और 4 डिवाइडेड 3 में मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय 3 से, सो i की वैल्यू कितनी आ गई, 4 1 सा 4 और 3 3 सा कितना होता है 9, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 डिवाइडेड 9। नाउ द लास्ट इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर j ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है, 2b डिवाइडेड 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो देखो 2b डिवाइडेड 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, तो b वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 डिवाइडेड 3 और यहाँ पर है माइनस 5, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस 5 को रिमूव करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन की वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा। नाउ 5 रिमूव करने का क्या तरीका है, यहाँ पर क्या है माइनस 5 है, तो दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, सो 2b डिवाइडेड 3 माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 3 प्लस 5, दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, यहाँ देखेंगे तो प्लस 5 माइनस 5, तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 में से 5 गए कितना बचा 0, यहाँ पर हमारा चल रहा है 2b डिवाइडेड 3 और 5 प्लस 3 कितना होता है 8। ठीक है, सो अब देखें अब 2b डिवाइडेड 3, तो इस 3 को रिमूव करते हैं डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर में सर इस नंबर को रिमूव करना है तो उस नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 है तो यहां पर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से 3 चला गया वन टाइम, तो यहां पर ऊपर क्या बचा 2b और 8 3 से कितना होता है 24। हमें वेरिएबल b की वैल्यू चाहिए पर अभी मल्टीप्लिकेशन में 2b है तो 2 को हटाना पड़ेगा। 2 को हटाने का क्या तरीका है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2b डिवाइडेड 2 डिवाइड करेंगे ठीक है, और 24 में डिवाइड करा 2 से। जो हमें नंबर हटाना है 2, इसका हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 2 से 2 गया 1 टाइम, तो यहाँ पे बचा b। 24 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।